कुछ सही बात है, बम पटाके पटाके से सिर्फ कोई असर नहीं होता है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। बम पटाके हम उठाते हैं बस 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे घंटे के लिए, लेकिन ये खतरा और उन लोगों के लिए भी जो रात शेर का मारा ही साढ़े नजर शेर का इसलिए छोड़ दो कह रहे ला रहे हो शेरियां कहीं हैं आज जहाँ जो भावे में बड़े दिन की बड़ी परेशानी है, जो चीता निकल रहा है, शेर आ रहा है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है। ये हमारी जो बस्ती है, बड़ी पुरानी बस्ती है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे वाली, बड़े बीपीएल लोग रहते हैं यहाँ पे, लोअर मिडिल क्लास के। और हमारी जो फर्स्ट प्रैक्टिस कुछ ना कुछ फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन ये कुछ एरिया ऐसा था जहाँ कोई फेंसिंग वो नहीं लगा पाए। और फिर मैंने आज उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि जल्द से जल्द ये जो परिवार रहते हैं उनकी चारदीवारी भी नहीं है, फेंसिंग खुद की भी नहीं है, कच्चे घर हैं और यहाँ पर बहुत खतरा है कि वो दरवाज़ा तोड़ के भी जा सकता है। छोटे छोटे हमारे गरीब बच्चे यहाँ रहते हैं, तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दोनों पार्षद मेरे साथ हैं, श्याम जी और शारदा जी, हमारे राजीव चाड़क जी जो सीनियर लीडर हैं, पीतम्बर जी, और भी महेंद्र भगत जी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे SC मोर्चा के, और हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 61 से। स्थानीय लोग भी यहाँ पर सारे आए हुए हैं, प्रोडक्शन फोर्स भी हमारे साथ जहाँ पर है वो भी डे एंड नाइट मॉनिटरिंग यहाँ कर रही है, और भी वाइल्ड लाइफ के लोग भी यहाँ सारा देख रेख कर रहे हैं। लेकिन हम आने वाले समय में, नवरात्रि भी आ रहे हैं, किस तरह फेंस कर सकें, लोगों को बचा सकें और लोग रात को चैन की नींद सो सकें, उस किस्म की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सकेगी, फेंसिंग चाहे 8 फुट 10 फुट जैसा भी होगा, ताकि कोई भी जानवर, चीते के अलावा भी और बहुत से जानवर होते हैं यहाँ, ये पुराने हमारे जंगल हैं और उनमें से आ सकते हैं, कोई भी घर में ना आए, लोगों को नुकसान ना, बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए जल्द से जल्द कोशिश करके, चाहे वाइल्ड लाइफ से, चाहे फॉरेस्ट से, चाहे कॉरपोरेशन की तरफ से, कोई ना कोई हम लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डर तो है, मुझे नहीं पता कि रात को बेचारे ये सोच सकते होंगे जो लोग जहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा सहयोग इनको देकर इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो कदम हो सकेंगे वो करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।